कहानी की शुरुआत में हम जूलियन नाम के एक अमीर बिजनेसमैन को देखते हैं जो एक बार में माइकल नाम की एक औरत के साथ फ्लर्ट कर रहा था और वो भी जूलियन को फुल भाव दे रही थी, जहां वो जूलियन के लिए एक ड्रिंक बनाते हुए उससे उसके काम के बारे में पूछने लगती है और जूलियन भी उसके जिस्म का दीवाना हो रहा था और उसे सब बता देता है। तभी ब्रेंडा नाम की एक औरत वहां आ जाती है जो जूलियन के साथ डेट पर आई थी और ये देख के माइकल वहां से चली जाती है, जहां जब ब्रेंडा जूलियन के साथ बातें कर रही थी तो जूलियन का ध्यान अभी भी माइकल पर ही था, जहां ब्रेंडा जूलियन के घर आना चाहती थी और अगले सीन में वो दोनों जूलियन के घर में इंटीमेट हो रहे थे, जिसमें ब्रेंडा को तो मजा आ रहा था लेकिन जूलियन को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। और तभी वो उल्टी कर देता है, जहां वो ब्रेंडा को जाने को कहता है और बाथरूम में जाकर खुद को शांत करने लगता है। वो गुस्से में था इसलिए वो उसके शीशे को तोड़ देता है और उसके बाद उसे उसकी माँ का कॉल आता है जो उसे उसके घर बुला रही थी। और यहाँ हम देखते हैं कि जूलियन शादीशुदा था लेकिन उनका तलाक होने वाला था और वो उनके तलाक के कागजात में खून के छींटे उड़ा के उसकी तस्वीर ले लेता है। अगले दिन ऑफिस में हम जूलियन के दोस्त लैरी, ग्रेग और शेरिल को देखते हैं, जहां आज उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक के साथ मीटिंग थी जो उनकी कंपनी को अपने अंडर लेना चाहता था ताकि वो उसकी कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट कर सके। जहां जब जूलियन मिस्टर प्रेलिस को बताने लगता है कि किस तरह उनके प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहिए और प्रेलिस को उसका आइडिया अच्छा लगता है, जहां वो एक दूसरी कंपनी से भी बात कर रहा था और 3 हफ्ते बाद वो तय करेगा कि किस कंपनी का आइडिया उसे ज्यादा अच्छा लगा, जिसके बाद जूलियन को उसका बॉस बताता है कि वो रिटायर होने वाला है और उसकी कंपनी अब जूलियन संभालेगा, जहां ये सुनकर वो खुश हो जाता है। लेकिन जब तक प्रेलिस उनकी कंपनी को अपने अंडर में नहीं ले लेता, तब तक जूलियन उसकी बीवी को तलाक नहीं दे सकते क्योंकि उनको उनकी इमेज अच्छी रखनी है और जूलियन मान जाता है। उसके बाद जूलियन उसके कोवर्कर्स के साथ जश्न मनाता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जूलियन हमेशा उनको अपने साथ ही रखेगा। जिसके बाद रात में जूलियन उसकी माँ के पास आता है जो उसे बताती है कि जूलियन को उसके कमरे में से सारा सामान शिफ्ट करना होगा और यहाँ नया पेंट करवाना होगा ताकि वो इस कमरे को इस्तेमाल कर सके। जहाँ जूलियन के पास टाइम नहीं था इसलिए वो उनको कुछ पैसे देता है, जहाँ ये देख के उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जूलियन के पास कभी उसके परिवार के लिए टाइम नहीं होता और इसी वजह से उसकी बीवी उसे तलाक दे रही है। खैर, अगली सुबह जूलियन जॉगिंग करता है और फिर छुट्टी होने के बावजूद वो ऑफिस जाकर काम करता है, जहां उसे प्रेलिस की कंपनी में कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उसके बॉस से उसकी कंपनी की फाइल्स मंगवाता है कि तभी उसे माइकल दिखती है और जूलियन जल्दी से उसके पीछे जाने लगता है, जहां वो एक ड्राइव इन फिल्म देख रही थी और वो जूलियन को देखकर काफी खुश हो जाती है, जहां वो उसे उसके दोस्तों से मिलवाती है। और फिल्म देखने के बाद वो दोनों जब बातें कर रहे थे तो तभी माइकल का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है जो उसके साथ चिल्लाकर बात कर रहा था और ये देख के जूलियन उसे एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है, जहां कुछ देर बाद वो उसकी मरम पट्टी करके उसे घर भेजता है। और जब माइकल देखती है कि जूलियन के हाथ में भी चोट लगी थी तो वो उसके घर जाकर उसकी भी मरम पट्टी करती है और फिर उसके घर को देखने लगती है, जहां वो एक कमरे में जाना चाहती थी लेकिन जूलियन उसे मना करता है क्योंकि वहां उसकी खींची हुई तस्वीरें थी। ये सुन के माइकल कहती है कि उसे भी अपनी तस्वीरें खिंचवानी है और जब जूलियन मना करता है तो माइकल उसके सामने अपने कपड़े उतारती है और ये देख के जूलियन से रहा नहीं जाता और वो जल्दी से अपने कैमरे को लेके आता है, जहां माइकल खिड़की के बाहर देखते हुए जूलियन को अपना हाथ दिखाती है जिसमें बहुत सारे कट्स थे, मतलब माइकल ने काफी बार खुद की जान लेने की कोशिश की थी। यहां पर जूलियन उसकी तस्वीरें लेने लगता है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं लेकिन माइकल खुद को काबू करती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में जब जूलियन ग्रेग के साथ काम कर रहा था तो तभी लैरी उसे बुलाता है, जिसे पता चल गया था कि कल रात जूलियन ने एक आदमी पर हमला किया, लेकिन इसके पहले कि वो जूलियन पर केस करे, लैरी ने रिश्वत देकर मामले को दबा दिया, जहां अगली बार से जूलियन को सावधान रहना होगा ताकि उसकी प्रेलिस के साथ डील पक्की हो जाए। काम के बाद जूलियन कुछ पेंट लेकर उसकी माँ के घर आता है, जहां उसकी बहन भी आई थी जो कुछ दिन उसकी माँ के साथ रहेगी। जिसके बाद जब जूलियन उसके कमरे में पेंट कर रहा था तो उसे माइकल का कॉल आता है जो उससे मिलना चाहती थी और रात में जूलियन उससे एक जगह मिलता है, जहां वो जूलियन को अपनी लिमो में बुलाती है और यहां उसकी तस्वीरें खींचती है, जिसके बाद वो जूलियन के ऊपर बैठ के उसकी आंखों में पट्टी लगाती है और चुपके से माइकल की एक दोस्त वहां आकर जूलियन के साथ मस्ती करने लगती है और माइकल उन दोनों को रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन जब जूलियन ये देख लेता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगता है, जहां माइकल उससे माफी मांगती है और उसे वापस अंदर बुलाती है, जहां जूलियन अब कंट्रोल नहीं कर पाता और वो माइकल को पकड़कर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिसमें माइकल को भी
भी मजा आ रहा था और उसकी दोस्त उन दोनों को रिकॉर्ड कर रही थी। काम खत्म होने के बाद फिर माइकल जूलियन से उसके सीक्रेट कमरे के बारे में पूछने लगती है, जिसमें वो अपनी तस्वीरें रखता है और ये चीज उसे अजीब लगती है। उसके बाद घर आकर जूलियन उसके तलाक के कागजात पर साइन कर देता है और अगले दिन देखता है कि माइकल ने उसके लिए एक तोहफा भेजा था जिसमें एक नया कैमरा था। ये देख के जूलियन उस जगह जाता है जहाँ माइकल काम करती थी और उनकी रिसेप्शनिस्ट को कह के माइकल के लिए एक गिफ्ट रखता है, जिसके बाद वो एक आर्ट गैलरी में जाता है। लेकिन तभी वो माइकल को एक दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और जब वो उससे उसके बारे में पूछने लगता है तो माइकल उसे पार्किंग में ले जाकर बताती है कि वो उसका पति है, लेकिन उसे उन दोनों के बारे में सब पता है। जहां ये सुन के जूलियन को और भी गुस्सा आता है और वो माइकल को उससे दूर रहने को कह के वहां से चला जाता है। तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है जहां उसकी बहन का पति उसे मार रहा था। ये सुन के जूलियन जल्दी से उसके घर आता है और उसकी बहन के पति को मारने लगता है। अगले सीन में वो पुलिस स्टेशन में था और अगली सुबह लैरी उसकी बेल कराता है, जहां जूलियन उसकी बहन के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक नया घर ले दूंगा जहां तुम अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। जिसके बाद लैरी जूलियन और उनके बॉस को बताता है कि जूलियन का साला कोमा में चला गया है और इसी वजह से अभी तक जूलियन के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो मर गया तो जूलियन का जेल जाना पक्का है। ये सब सुन के उसका बॉस उस पे गुस्सा करने लगता है। खैर, वही एक तरफ जब माइकल उसके ऑफिस में आती है और जब वो जूलियन का तोहफा देखती है तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है और उसने उसके साथ जो किया उसका बुरा भी लगता है, इसीलिए वो उससे मिलने उसके ऑफिस जाती है। लेकिन जूलियन सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर भिजवा देता है, जहां रात में जब वो घर जा रहा था तो माइकल फिर उसके पास आती है और उसे समझाने लगती है कि वो उससे प्यार करती है और उसके पति को इससे कोई दिक्कत नहीं है। जहां जब वो जूलियन के करीब आकर उससे कहती है कि मेरे जितना प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता, तो वो उसे अंदर बुलाता है और अगली सुबह हम देखते हैं कि उन दोनों ने रात में खूब मस्ती की थी। आज पूरे दिन जब जूलियन काम करता है तो माइकल उसके घर को सजाती है और रात में वो एक खूबसूरत लाल ड्रेस पहनती है और जूलियन को छत पर ले जाकर उसके साथ डिनर करती है। यहाँ पर जूलियन उसे कल उसके भांजों के जन्मदिन में आने को कहता है और वो मान भी जाती है, जहां अगले दिन ऑफिस में लैरी जूलियन पर गुस्सा करता है क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत के साथ रह रहा था और ये चीज उनके बॉस को अच्छी नहीं लगेगी, जहां उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। उसके बाद जूलियन माइकल को लेकर उसकी माँ के घर आता है और जब माइकल उसके दोनों भांजों के साथ खेल रही थी तो उसकी बहन उसे बताती है कि वो वापस उसके पति के साथ रहेगी और ये उसे अच्छा नहीं लगता। जहां जूलियन की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उन दोनों की एक नहीं सुनता और ऊपर चला जाता है। तभी माइकल उसके पास आती है और कहती है कि उसे जाना होगा और रात में जब वो अपने पति के साथ डिनर कर रही थी तो जूलियन चुपके से उसे देखने लगता है और उसे जलना हो रही थी, इसलिए वो माइकल को कॉल करके अपने पास बुलाता है लेकिन वो उसे मना कर देती है और गुस्से में जूलियन वहां से जाने लगता है। रास्ते में वो देखता है कि दो लोग एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे, जहां उसकी मदद करने से पहले जूलियन उसकी तस्वीरें लेता है और यही उसका सीक्रेट था कि वो दूसरों के दुख में अपनी खुशी ढूंढता है। और हम देखते हैं कि जूलियन ब्रेंडा के साथ रहने लगा था और वो माइकल का कॉल भी नहीं उठा रहा था। जहां जब वो उससे मिलने आती है तो उसे जलाने के लिए जूलियन उसके सामने ब्रेंडा को किस करता है और उसके जाने के बाद माइकल और जूलियन के बीच बहस हो जाती है क्योंकि जूलियन को उसे अपने पास रखना था लेकिन माइकल को अपनी आजादी चाहिए थी। और जब वो माइकल को छाटा मारती है तो जूलियन भी उस पर हमला करता है और वो एक टेबल के ऊपर गिरती है। यहाँ पर वो अपने पैर में एक पेन घुसा देती है और उसका खून निकलने लगता है। तभी लैरी भी वहां आ जाता है और वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। अगले सीन में जूलियन अस्पताल में था और यहाँ माइकल का पति उसके पास आता है और उसे उसकी बीवी से दूर रहने को कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जूलियन अकेला पड़ गया था और उसे उसकी गलती का एहसास होता है। जहाँ वो माइकल के घर जाता है और उसे एक तोहफा देकर उससे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। उसके अंदर वो सारी तस्वीरें थी जो आज तक उसने ली थी और वो माइकल को सब बता देता है। जहां जब वो उसकी माँ के पास जाता है तो हमें पता चलता है कि उसने पहली बार ये तब किया था जब उसकी माँ ने खुद की जान लेने की कोशिश की थी और उस सदमे से वो आज तक उभर नहीं पाया है। अगले सीन में वो अपने कमरे में पेंट कर रहा था और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।